अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, टीचिंग के इस फर्स्ट एंड बेसिक लेक्चर में आप सबको वेलकम है। पहले इससे कि हम शुरू करें कि स्टिचिंग की बेसिक क्या होती हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमें स्टिचिंग क्यों सीखनी है। हमें लड़की होने की वजह से इस वजह से नहीं सीखनी कि हमारा ससुराल में हमें अच्छे लफ्ज़ों में जाना जाएगा या हमारा क्राइटेरिया बनेगा, हमें सास ताने नहीं देगी, बल्कि इसलिए कि हमारे पास एक हुनर होना चाहिए, एक ऐसी हमारी पार होनी चाहिए कि हम किसी पे डिपेंड नहीं करें। हमें जितना अपनी एजुकेशन को लेकर हम लोग होते हैं कि भाई हम कल किसी पे कल को इन्हिसार नहीं करें, इसी तरह से हमें स्टिचिंग को लेकर भी किसी पे नहीं करना चाहिए, ताकि हमें कभी इमरजेंसी में रात के 12 बजे उठकर फॉर इंस्टेंस हमें कुछ करना पड़े तो हम वो इजीली कर सकें। अब मैंने क्यों स्टिचिंग शुरू की? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मास्टर्स है बायोलॉजिकल साइंसेज में, और मैं मास्टर्स तक यही सोचती थी कि भाई मुझे स्टिचिंग नहीं करनी, ये मेरे लेवल का काम नहीं है। लेकिन मेरी सोच गलत थी। और ये मुझे कैसे पता चला? यूँ हुआ कि मैं आपसे शेयर करूँगी स्टोरी ज़रूर, कि मेरे कल मुझे पहनकर जाना था फॉर इंस्टेंस कुर्ता, और मैं आज लेकर आई, और जब मैंने उसको अल्टर करवाना था अपने साइज़ का, तो मेरे पास कोई पर्सन भी नहीं था, दैट आई हैड नो एनी वन जो मुझे उसकी अल्ट्रेशन करके दे सके। और मैं उस वक्त सोचूँ कि भाई यार इतना भी क्या हो गया, इतना मुश्किल जिसको लोग बोलते हैं वो पढ़ाई पढ़ ली है, तो ये स्टिचिंग मैं क्यों नहीं कर सकती? इतना तो करूं कि मुझे किसी की मिन्नतें नहीं करनी पड़े। आई रिपीट, इतना आना चाहिए कि कभी किसी की मिन्नतें नहीं करनी पड़े। और इस वजह से मैंने स्टिचिंग की क्लास ली, और आज तक अम्मियों ने आंटियों ने हवा बनाया होता है, स्टिचिंग ऐसे करते हैं, ये पेमाइश ऊपर से गुजरती थी, लेकिन मैंने इंस्टीट्यूट से सीखी। और मैं चाहूँगी कि जिस तरह से, जिस बेसिक तरीके से मुझे मेरी टीचर ने अल्हम्दुलिल्लाह सिखाई, माशाल्लाह से उनको बहुत बहुत अच्छी आती थी, और इतनी आसान लैंग्वेज में उन्होंने मुझे सिखाई, मैं चाहूंगी कि वही मैं आगे कन्वे करूं, ताकि स्टिचिंग एक मज़ेदार चीज़ बन जाए। एंड आई कैन बेट कि स्टिचिंग एक मज़ेदार चीज़ है। अब इसके लिए सबसे पहले स्टिचिंग, चले अब स्टार्ट करते हैं। स्टिचिंग के लिए बेसिक हमारी होती है कटिंग, और कटिंग के लिए हमारे पास पहले सबसे यानी कि फर्स्ट क्लास में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहले तो होगा जी ब्राउन पेपर, जिसको बचपन में हम कॉपीज पर कवर करने के लिए भी यूज़ करते थे, ब्राउन पेपर। और हमारे पास स्केल होना चाहिए जिसके ऊपर इंचज़ हों, कि 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, इस तरह से इंचज़ होने चाहिए उसके ऊपर। क्यों होने चाहिए? क्योंकि हम यूजली इंचज़ टेप से मैयर करते हैं, और ये इंचज़ टेप 60 इंचज़ का एक इंचज़ टेप होता है। इसी तरह से इस पे स्केल पर होता है, हमें चूंकि ब्राउन पेपर पे लाइंस लगानी होती है, इस वजह से हमारे पास स्केल होना चाहिए। और वही पेंसिल मार्क करने के लिए, रेजर अगर कुछ गलत हो जाए, एंड सीजर्स कटिंग करने के लिए। अब इन सारी चीज़ों से पहले मैं कुछ आपको बेसिक नॉलेज दूंगी अबाउट इंचज टेप। अब इंचज टेप क्या होता है जी? इसका ये वाली चीज़ जो है, ये 1 इंच है, ये आप देख सकते हैं 1 इंच है। अब इसके दरमियान में 8 पॉइंट्स होते हैं, वी कैन कैलकुलेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 8 पॉइंट्स होते हैं 1 इंच के अंदर। और अगर हम बाज़ार से कपड़ा लेते हैं तो यूजुअली वो होता है जी गज़ में, और 1 गज़ के अंदर कितने इंच होते हैं? तकरीबन, मैं बात करूंगी तकरीबन में, एग्जैक्ट फिगर्स में हम नहीं जाएंगे क्योंकि मैथ्स नहीं है, हमें सीखना है इतना कि हम खुद का कर सकें। तो इसलिए ये देखिए 36 इंचज का 1 गज़ होता है, और अगर मीटर्स में जाएँ तो 39 समथिंग का एक होता है, 36 पे गज़ एंड 39 इंचज पे, 39 समथिंग पे 1 मीटर। और अगर हम 1 इंच को एज इट इज़ उल्टा करके देखें तो ये 2.5 पर सेंटीमीटर बनता है, यानी कि 1 इंच इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर्स, 2.5 सेंटीमीटर्स, ये 2.5 इस साइड पर 1 इंच। और इसी तरह से अगर हम अम्मियों के हिसाब से जाएं तो अम्मियाँ इस तरह से एक हाथ की पैमाइश लेती होती हैं, एक हाथ तकरीबन 9 इंचज़ का होता है। हम इसको यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर हम इंचज़ टेप रखें, तकरीबन 9 इंचज़ यानी कि 8 पॉइंट समथिंग का ये जाएगा हाथ। अब हाथ डिफरेंट हो सकता है ऑब्वियसली, तो ये जाएगा तकरीबन 8 पे 8 से थोड़ा ऊपर। और घिरा का वर्ड भी आप लोगों ने यूज़ किया होगा या सुना होगा, और एक घिरा होती है 2.2 इंचज़ की, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होती है एक घिरा 2.2 इंचज़ की, और एक हाथ के अंदर हमारी 4 घिरा होती हैं। इतहाई बेसिक चीज़ें हैं कि अगर आपको कोई दूसरा बंदा कहे तो आप उसको उसकी लैंग्वेज समझ सकें। अगर कोई आपको टेलर ही कहता है कि बाजी मैंने इतनी घिरा रखा है, तो आप उसको समझा सकें कि भाई ये इतने सेंटीमीटर्स इतने मीटर्स। अब 1 मीटर में 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर्स होते हैं, 1 गज़ में 36 इंचज़ होते हैं। ये इंतहाई बेसिक चीज़ें हैं, हम नाप लेकर भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये बेसिक चीज़ है। अब हम स्टार्ट करेंगे ड्राफ्टिंग से, जो भी हमें बनाना है
कपड़े पर हम डायरेक्ट कपड़े को नहीं ख़राब करेंगे, बल्कि हम उसका ड्राफ्ट बनाएंगे पहले ब्राउन पेपर पर, जो कि हमारी अम्मियाँ अखबार पर भी बना लेती थी, और फिर उसको लेकर चलेंगे हम नेक्स्ट कपड़े पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हियर द फर्स्ट लेक्चर एंड्स। नेक्स्ट के लिए लेक्चर 2 इंशाल्लाह।